हेलो फ्रेंड्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्रियंका आप सभी कैसे हैं दोस्तों आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और फ्रेंड्स आज की जो मेरी वीडियो है मीसो साड़ी हॉल पे होने वाली है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आज कलेक्शन होने वाला है टू हंड्रेड समथिंग से स्टार्टिंग प्राइस है और अंडर थाउजेंड रुपीज का ही अच्छा सारा कलेक्शन होने वाला है इसमें से कुछ साड़ियां ऐसी जिसे आप पार्टी फंक्शन में कैरी कर सकते हैं डेली वियर में अगर आप साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं तो वैसा भी कलेक्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है और इन सभी साड़ियों के अनबॉक्सिंग में आपके सामने ही करने वाले अभी तक मैंने किसी को भी ओपन नहीं किया है आप

सेल चल रही है तो इस सेल का फायदा उठाना तो बनता ही है तो इस सेल को बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पहले इस पार्सल को ओपन करते हैं और देखते हैं सबसे पहले तो ये देखते हैं जो हम मैंने ऑर्डर किया था वही मुझे मिला है कि नहीं और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी पूरी डिटेल में तो जो मैंने ऑर्डर किया था वही आया है फर्स्ट लुक मैंने देख लिया है और आप भी देखिए फ्रेंड्स काफी प्रिटी साड़ी है पूरी पार्टी वेयर साड़ी होने वाली है सीक्वेंस वर्क वर्कली साड़ी है सीक्वेंस एंड जरी का वर्क हो रखा है पहले मैं प्लास्टिक हटाती हूँ बहुत ही आवाज कर रही है वाह फर्स्ट लुक की बात की जाए तो बिल्कुल वाव लग रही है एकदम वाव साड़ी है वाइन कलर में मैंने ऑर्डर किया था वाइन ही कलर एक ही शेड ही अवेलेबल है और इस तरह से इतना ब्रॉड साइज पे बॉर्डर वगैरह रखा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी फिनिशिंग एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन है और जॉर्जेट के फेब्रिक पे आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिलने वाली है काफी अच्छे से एकदम टकिन होके आई है ये साड़ी और ये है ये साड़ी सबसे पहले मैं इसमें आंचल ही शुरू करने वाली हूँ सबसे पहले मैं इसका आंचल दिखाऊंगी आपको ये है इसका आंचल बहुत ही प्यारा ब्रॉड सा एम्ब्रॉयडरी किया गया है एम्ब्रॉयडरी नो डाउट बहुत ही नीट एंड क्लीन है काफी प्रिटी भी लग रही है आप देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर पास से देखिए इसकी एम्ब्रॉयडरी इस तरह से इस पे की गई है गोल्डन जरी वर्क का एम्ब्रॉयडरी किया गया लेकिन वो एकदम चमकीला चीप वाला गोल्डन नहीं है काफी डिसेंट सा लुक आएगा और बीच बीच में आपको इस तरह से छोटी छोटी बूटियां मिल जाती है बुटियां भी काफी पास पास है ऐसा नहीं की बहुत दूर दूर बूटियां बनी हुई है इसका जो फेब्रिक है जॉर्ज का फैब्रिक है फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है और आप साड़ी का लुक आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये साड़ी मिलने वाली पूरा भरी हुई साड़ी आपको मिलने वाली हर जगह ये बूटिया आपको नजर आने वाली है ओ oh माई गॉड बहुत ही प्रटी साड़ी है इसकी जो प्राइस है आज के हॉल में सबसे महंगा पीस यही होने वाला है इसकी जो प्राइस है 950 हंड्रेड फिफ्टी या नाइन हंड्रेड एट्टी रुपीज समथिंग प्राइस है प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी लेकिन फ्रेंड्स प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे टोटली वर्थ इट लग रही है अभी देखते हैं पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है कितने हाइट तक के लोगों को आने वाली है और कितनी लेंथ है लेंथ अच्छी लग रही है साड़ी की यहाँ तक आपको पूरा बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है फ्रेंड्स इस तरह से इतना दूर इन्होंने कपड़ा प्लेन रखा है ट्राइन में आपको क्लियर हो जाएगा मुझे लगता है पीछे के साइड में भी

पसंद आया समर में एकदम कंफर्टेबली आप इसे पहन सकते हैं और एकदम बॉडी हगिंग लगने वाले चलिए बाकी डिटेल मैं आपको ऑन में ही बताती हूँ फटाफट से इसका ऑन करते हैं क्योंकि बहुत ही प्रिटी लग रही है और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस साड़ी का लुक कैसा आने वाला है पहनने के बाद बहुत ही प्रिटी साड़ी है एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छी आप देख सकते हैं पहनने के बाद इसका लुक कैसा आने वाला है पार्टी फंक्शन में बहुत ही प्यारी लगने वाली है फेस्टिवल में भी आप इसे कैरी कर सकते हैं बहुत है ही खूबसूरत लगेगी काफी लाइट वेटेड है बॉडी हगिंग मटीरियल है एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी फैब्रिक की क्वालिटी टेन ऑन टेन है मुझे काफी पसंद आई है और साड़ी की लेंथ इन्होंने अच्छी रखी है साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट सिक्स इंच वाले विदाउट ही कैरी कर सकते हैं और इसका जो बॉर्डर है इसमें बस एक यही एक थोड़ी सी मुझे कमी

और मैंने नेवी ब्लू कलर में इस साड़ी को ऑर्डर किया था बॉर्डर वाली साड़ी है तो चलिए इसे ओपन करते हैं और काफी अच्छे से सील होके आई है फर्स्ट लुक की बात की जाए तो काफी खूबसूरत लग रही है काफी प्रिटी लग रही है जैसा इमेज में दिखाया गया था सेम वैसा ही है काफी पतला सा बॉर्डर है पूरा विविंग का बॉर्डर है कुछ भी प्रिंटेड नहीं है पूरा विविंग का वर्क हो रखा है इसपे और साड़ी का सेल्फ टेक्सचर आई थिंक कैमरे में क्लियर हो रहा होगा वो मतलब लाइनिंग लाइनिंग के साथ साथ ही इसमें चैकर्ड चैकर्ड का पैटर्न है हाँ कैमरे में क्लियर आ रही है मुझे लग रहा है इस तरह से पूरा चेकर्ड वाला पैटर्न आपको मिलने वाला है तो चलिए इसे भी ओपन करके देख लेते हैं और ये है ये साड़ी का आंचल है आपको इस पूरी साड़ी प्लेन मिलने वाली है इसका जो फैब्रिक है ना आप देखिए फ्रेंड स्ट्रेचेबल फैब्रिक है मतलब थोड़ा सा लगता है इसका फैब्रिक ना लेकर काइंड का फैब्रिक इस वजह से स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो काफी बॉडी हगिंग होने वाला आप देखते हैं ट्राई ऑन करने पे कैसा लगता है इस तरह से पूरी साड़ी आपको मिलने वाली है पूरी साड़ी प्लेन है सिर्फ ये बॉर्डर वाली डिटेलिंग है अगर आप डेली वियर में साड़ी पहनते हैं तो इस तरह की हल्की साड़ियां काफी अच्छी रहती हैं और ये जो लेस वाली डिटेलिंग है पूरा आपको नीचे तक आने वाली है देखते हैं कहाँ तक है पूरा यहाँ तक आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिलती है बिल्कुल जरा सा कपड़ा इन्होंने प्लेन रखा जो कि अंदर की तरफ टकीन हो जाएगा और इसके साथ में इन्होंने ऑरेंज कलर का ब्लाउज दिया है जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है ब्लाउज का फैब्रिक आप देखिए फ्रेंड्स पूरा विविंग का वर्क है इसमें इस तरह से और काफी प्यारा ब्लाउज दिया है और नीचे के साइड में आपको इस तरह से बॉर्डर भी मिल जाता है जिसे आप स्लीव पे स्टाइल कर सकती है चलिए फटाफट इसका ट्राई ऑन करते हैं और उसी में पूरी डिटेल बताती हूँ कि कैसी है और पहनने के बाद ये साड़ी आप देख सकते हैं कैसी लग रही है काफी ब्रिटी निकल के आई है पहनने के बाद काफी खूबसूरत लग रही है एकदम लाइट वेटेड है समर में एकदम कंफर्टेबली आप इसे पहन सकते हैं और इसका जो लेकरे का फैब्रिक है वो भी मुझे अच्छा लगा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खींच रहा था तो बस इसी बात का ध्यान रखिएगा कि लैकरे का फैब्रिक आपको मिलने वाला है इसका जो लुक है ना वो काफी अच्छा आ रहा है एकदम बहुत ही अच्छे से प्लीट्स पड़ रहे थे बहुत ही प्रटी लुक आ रहा था और साड़ी की लेंथ इन्होंने अच्छी रखी है साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट सिक्स इंच वाले विदाउट हील आराम से कैरी कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इसका जो बॉर्डर की डिटेलिंग है पीछे की साइड में भी आपको पूरा बॉर्डर की डिटेलिंग मिलने वाली है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड इतने कम प्राइस में बहुत ही अच्छी साड़ी है मतलब इतने कम प्राइस में काफी प्यारी साड़ी है चलिए फ्रेंड्स अब खोलते हैं नेक्स्ट पार्सल को और इसमें जो है दो साड़ियाँ एक साथ आई हैं और ये देखिए फ्रेंड्स ये ट्रांसपेरेंट पैकेट में आया है तो आजकल ये चीज मुझे काफ़ी अच्छे लगने लगी है मीशो पे मैं कई वीडियो में आपको बता भी चुकी हूँ कि जब ट्रांसपेरेंट पैकेट में आता है ना तो एकदम हम देख सकते हैं कि हाँ हमने जो ऑर्डर किया था हमें वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और इसमें मैंने दो साड़ियाँ ऑर्डर की थी तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले येलो कलर वाली को ओपन करते हैं काफी ब्राइट येलो कलर आया है लुक तो बहुत ही पुरटी लग रही है और ये है वो साड़ी आप देखिए फ्रेंड से काफी अच्छे से टकीन होके आई है ये भी मैंने प्लेन साड़ी ही ऑर्डर की है बॉर्डर की डिटेलिंग के साथ क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं थोड़ी थोड़े दिनों में नवरात्रि भी आने वाली है तो उस तरह की पूजा में आप इस तरह की येलो की साड़ी येलो कलर की साड़ी वेयर कर सकते हैं बहुत ही प्यारी लगेगी और काफी लाइट वेटेड है समर के अकॉर्डिंग आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं और इसमें जो पेपर है वो काफी आवाज कर रहा है और ये है इसका आंचल पोर्शन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काफी प्यारी येलो कलर इसका येलो कलर मुझे काफी अच्छा लगा आप देख सकते हैं एकदम हल्दी पीला कलर है और बॉर्डर भी जो है येलो कलर से पूरा रेशम के धागे से विविंग का काम है आई थिंक कैमरे में कैप्चर हो पा रहा हो इस तरह से पूरा विविंग का काम हो रखा है इस पे बहुत ही प्यारा काम हो रखा है साड़ी का जो फैब्रिक है सिल्क एंड का फैब्रिक है सॉफ्ट वाला है बिल्कुल कड़क नहीं है बॉडी हगिंग मटेरियल होने वाला है अब देखते हैं पहनने के बाद इसका

जब इसका ब्लाउज बन जाएगा तो इसका लुक और भी प्रेटी आने वाला है और ये साड़ी के तो क्या ही कहने में क्या ही बोलू इतनी कम प्राइस में इतनी खूबसूरत साड़ी लग रही थी कि इतना ग्रेसफुल सा लुक निकल के आ रहा था पूजा में और वेडिंग फंक्शन में जो हल्दी फंक्शन होते हैं या किसी भी पूजा में आप इसे कैरी कर सकती है बहुत ही प्रिटी लगेगी एकदम लाइट वेटेड है बॉडी हैगिंग मटेरियल है प्लीट्स काफी अच्छे से बन रहे थे और येलो पे येलो कलर का जो बॉर्डर बनाया ना ये मुझे काफी पसंद आया जब इसका ब्लाउज बन जाएगा तो इसका लुक और भी खूबसूरत निकल

चलिए अभी भी ओपन करके देख लेते हैं फ्रेंड सभी की डिटेल सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके लिंक पे जरूर चेकआउट करिएगा इन सभी साड़ियों की प्राइस कुछ ना कुछ जरूर कम हुई होगी इस सेल में इसको मैंने डार्क रानी शेड में परचेज किया है बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है एकदम इसका कलर ना वाइब्रेंट कलर है डार्क वाइब्रेंट कलर में आपको ये साड़ी मिलने वाली है और इसमें भी पूरी प्लेन साड़ी है आप देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है इसमें इस तरह से बॉर्डर की डिटेलिंग है बॉर्डर भी काफी प्यारा है रानी कलर की साड़ी पे जो है गोल्डन एंड रानी कलर का ही आपको इस तरह से का का वर्क वर्क मिलता है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका का वर, थोड़े मोड़े धागे इधर उधर निकले हुए हैं जो एक्स्ट्रा थ्रेड होते हैं उसको आपको कट करना पड़ेगा आई थिंक आपको विजिबल हो पा रहा होगा इस तरह से थ्रेड निकला हुआ है बाकी इसमें काफी जगह थ्रेड निकले हुए हैं तो जो कि काफी फिनिशिंग मांगने वाला है मुझे लगता है सिर्फ वो यहीं पे है भी मैं पूरी साड़ी देखती हूं अः आ... मुझे तो हर जगह ही नजर आ रहा है आप देख सकते हैं ये ब्लू ब्लू कलर का जो थ्रेड है इसमें इस तरह से निकला हुआ है तो इसको फिनिशिंग करना पड़ेगा हो सकता है मेरे पास ऐसा अनफिनिश वाला पीस आया हो आपके पास अच्छा है और ये है पूरी साड़ी साड़ी का लुक कलर आप देख सकते हैं सिल्क फैब्रिक की साड़ी है चलिए फटाफट से इसका ट्राई ऑन करते हैं और उसी में बताती हूँ पूरी डिटेल हाइट लेंथ सब कुछ बताती हूँ इसकी भी प्राइस थ्री हंड्रेड रुपीज है और इस साड़ी में देखिए फ्रेंड्स मैंने जो अभी येलो वाली साड़ी दिखाई थी उसका जो बॉर्डर था पूरा यहां तक था और इस साड़ी में जो आप देखिए फ्रेंड्स कितना काफी कपड़ा प्लेन है ट्राई ऑन में आपको क्लियर हो जाएगा कि पीछे के साइड में प्लेन कपड़ा कितना आ रहा है उसके बाद ये आपको ब्लाउज का कपड़ा मिल जाता है जिसमें आपको इस तरह से लेस वाली डिटेलिंग मिल जाती है चलिए फ्रेंड्स अब फटाफट से इसका ट्राई ऑन करते हैं और देख लेते हैं कि कैसी लग रही है और फ्रेंड्स ये साड़ी भी बहुत ही प्रिटी लग रही है पहनने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं आ, इसका ब्लाउज एकदम सेम यही रानी कलर नहीं था मेरे पास मैंने थोड़ा सा पर्पल शेड वाला ब्लाउज इसके साथ कैरी किया है लेकिन वो भी ठीक लग रहा था बहुत ही प्रिटी साड़ी है लाइट वेटेड है बॉडी हैकिंग मटेरियल है सिल्क का फैब्रिक भी अच्छा है बॉर्डर की डिटेलिंग भी काफी अच्छी है बस मैंने बताया था आपको इस साड़ी में हल्के हल्के थ्रेड कहीं निकले हुए हैं फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन लुक वाइज काफी प्रिटी आ रही है आपको थोड़ी सी फिनिशिंग करनी होगी बहुत ही पिटी साड़ी है इतनी कम प्राइस में

काफी प्यारा कलर आया है जैसा दिखाया गया था वैसा ही कलर आया है तो फटाफट से इसे ओपन करते हैं ओ oh माय गॉड कितना सॉफ्ट एकदम सिल्क का जो फैब्रिक है ना एकदम सॉफ्ट वाले सिल्क का फैब्रिक आया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका कलर कंट्रास्ट कितना अच्छा लग रहा है इन्होंने इसमें ऑरेंज और रानी के शेड के और पीच कलर का शेड दिया आप देखिए फ्रेंड्स इधर आपको पीच कलर के शेड नजर आएंगे इस तरह से शेडिंग की गई है बीच बीच में पूरा आपको हॉरिजेंटल लाइन मिलने वाली है चलिए फटाफट से इसका आंचल मैं दिखाती हूं आपको और ये है इसका आंचल काफी प्यारा कटवर्क स्टाइल में आपको मिलने वाला है पूरा फॉइल मिरर का वर्क हो रखा है रेशम के धागे से इस तरह से आपको इस पे फॉइल मिरर का वर्क मिलता है और हॉरिजेंटल लाइन आपको दिखी रही है जिसमें पूरा इस तरह से तार जैसे का काम हो रखा है और कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा कलर निकल के आ रहा है पहनने के बाद लगा ये साड़ी बहुत ही प्रिटी आने वाली है बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है नीचे के साइड में भी आपको पूरा इस तरह से डिटेलिंग मिलने वाली है इसकी जो प्राइस है फोर समथिंग में इसकी प्राइस है काफी

पहनने के बाद कैसा लगने वाला आप देख सकते हैं इसका जो फॉयल मिरर है काफी ज्यादा शाइन कर रहा है और साड़ी का लुक भी बहुत ही प्रिटी आ रहा है जो इसके साड़ी की साड़ी जो चौड़ान है फाइव फिट सिक्स इंच वाले आराम से कैरी कर सकते हैं विदाउट ही और साड़ी की प्लीट्स काफी ज्यादा पड़ रही थी फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स और बहुत ही प्रिटी लग रही थी पहनने के बाद इसका जो सिल्क का फैब्रिक है एकदम सॉफ्ट है बॉडी हगिंग मटेरियल है लेंथ भी काफी अच्छी रखी है प्लेन नहीं नजर आने वाला अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की तो ये काफी छोटू से पैकेट में है और मुझे लगता है कि आज के हॉल में सबसे कम प्राइस की साड़ी यही होगी या फिर जो मैंने नेवी ब्लू कलर की आपको साड़ी दिखाई है वो थी और ये मैंने ऑर्डर की है लहरिया पैटर्न में आपको ओपन करके दिखाती हूँ मैंने इसे भी पिंक कलर आज में आज के हॉल में पिंक कलर कुछ ज्यादा ही हो गया है वो होता है कभी कभी जब ऑर्डर करो तो कोई कोई कलर काफी ज्यादा दिमाग में चढ़ा रहता है तो उसी कलर का सब कुछ पसंद आने लगता है तो ये है ये भी रानी पिंक कलर में ही है और इस पे व्हाइट कलर के लहरिया का पैटर्न है लहरिया पैटर्न की साड़ी कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती ये साड़ी ऐसी ना डेली वियर में एकदम आराम से आप इसे कैरी कर सकती है इस तरह से पूरा लहरिया का पैटर्न आपको पूरी साड़ी ऐसी ही मिलने वाली इसका जो फैब्रिक है एकदम सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट मलमल वाले जॉर्जेट का जैसा फैब्रिक है बहुत ही प्र साड़ी लगने वाली है पहनने के बाद अब देखते हैं लेंथ कितनी कितनी है चौड़ान कितनी है चौड़ान में ही आपको बताती हूं। बाकी पूरी साड़ी आपको ऐसी ही मिलने वाली इसमें आपको कुछ नहीं तो आ, एट टू नाइन के कलर ऑप्शन मिल जाएगा आप चाहे तो दूसरा कलर ऑप्शन पिक कर सकते हैं ब्लाउज का कपड़ा इन्होंने इतना कुछ ज्यादा ही कम दिया हुआ है इतने कम आ, मतलब मुझे लगता है कि आ, सिक्सटी सेंटीमीटर या सेवेंटी सेंटीमीटर ही दिया है उससे भी कम ही होगा इतना कम में ब्लाउज कैसे बनेगा तो आपको अगर चाहे तो दूसरा कलर का दूसरा कंट्रास्ट ब्लाउज कैरी कर सकते हैं या फिर इतना दूर और आगे बढ़ के आप अपना कपड़ा कट करवा सकते हैं और इस लहरिया का जो स्लीव आप वो बनवा सकते हैं तो इस तरह से इसका में ब्लाउज बनने वाला है ये तो मुझे नजर आ गया कि इतने कम कपड़े में तो ब्लाउज नहीं बनने वाला है हाँ बहुत ही ज्यादा आप स्लिम ट्रिम है तो बन सकता है लेकिन मेरा तो नहीं बनने वाला है तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से इसका ट्राई ऑन करके देख लेते हैं और फ्रेंड्स ये है इस साड़ी का फाइनल लुक आप देख सकते हैं बहुत ही पेटी लग रही थी पहनने के बाद इतनी लाइट वेटेड है आप दिन भर आराम से कैरी कर सकते हैं अगर आप दिन भर साड़ियां पहनना पसंद करती हैं तो आराम से आप इसे कैरी कर सकती हैं लुक तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा आ रहा है अः किसी भी फेस्टिवल में दिन भर भी साड़ी आराम से कैरी की जा सकती है नवरात्र में आप इस साड़ी को कैरी कर सकती है बहुत ही पेटी लगने वाली है फुल पैसा वसूल मटेरियल है साड़ी की लेंथ भी अच्छी है साड़ी की जो चौड़ान है वो भी काफी अच्छी रखी है इन्होंने और साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट सिक्स इंच वाले विदाउट हीली कैरी कर सकते हैं सॉफ्ट सा मटेरियल है बॉडी हगिंग है मेरी तरफ से रिकमेंडेड अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं यही था मेरा आज का मीशो साड़ी हॉल की वीडियो आई होप की आपको आज की साड़ियां पसंद आई होंगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मैं मिलती हूं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक खुश रहिए मस्त रहिए बाय बाय टेक केयर